टेस्ट पेपर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे अपने को नंबर्स नेम राइट किए हुए, नंबर्स नेम को न्यूमेरल्स में चेंज करना है, ठीक है। 7006, 7006 राइट करना है। तो देखिए, 1, 7 जो है, 1000 जो है, उसके आगे जीरो कितनी लगती है, 1000 के आगे 30 लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 30 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट में नंबर राइट किया, वंस पे नंबर दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे वंस की जगह राइट करेंगे 6, ठीक है। अब देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 7006। नेक्स्ट देखिए, 5215, 5000, 1000 के डिजिट दी है, उसके बाद में 100 के डिजिट भी दी है, तो यहाँ राइट करेंगे 200, फिर है 15। अब देखिए, 1, 10, 100, 1000, 5215। नेक्स्ट देखिए, 8012, 8012, तो 1000 का इसका मतलब 30 लगानी है, लेकिन यहाँ पे राइट पे 1 और 10 की डिजिट दी है, 12 राइट किया हुआ है, इसका मतलब 1 और 10 की डिजिट दी है, तो हमें 100 की जगह ही 0 लगाना है, ठीक है। तो 100 की जगह 10 लगा देंगे और यहाँ राइट कर देंगे 12, 1, 10, 100, 1000, 8000, 12, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करते हैं, नंबर राइट करके उसका प्लेस राइट करेंगे। तो देखिए, लास्ट फर्स्ट डिजिट क्या है, 2 है। 1, 10, 100, 1000, 1000 पे क्या है, 2, 1000 में कितनी जीरो लगाएंगे, 30, ठीक है, प्लस। अब देखते हैं थर्ड सेकंड डिजिट, 1, 10, 100, 100 कितने हैं, 5, 100 में कितनी जीरो लगाएंगे, 2, 1, 2, प्लस। अब देखेंगे थर्ड डिजिट, 1, 10s, 10s कितने हैं, 9, 10s में जीरो कितनी लगाएंगे, 1, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वंस में क्या आएगा, सिंगल नंबर, एंड टेंस में 10, 100 में 20, 1000 में 30, 10,000 में 40, एंड लैख में 50, 10 लैख में 60, ठीक है। यहाँ तक अपन ने टेंस का टेंस राइट कर लिया। अब देखो, वंस क्या है, 6, तो 6 को अपन एजिटी जैसे कि ऐसे ही टाइप कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, 7280 को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 7, 7 का प्लेस क्या है, 1, 10, 100, 1000, 7 का प्लेस क्या है, 1000, 1000 टेंस का मतलब 0 कितनी लगानी है, 3, 7 के आगे 30 लगा देंगे, ठीक है, प्लस। नेक्स्ट नंबर क्या है, 2, 2 का प्लेस क्या है, 1, 10, 100, 2 का प्लेस है 100, 100 इसका मतलब 0 कितनी लगाएंगे, 2, 2 के आगे 20 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, 8, 8 का प्लेस क्या है, 1, 10, तो 0 कितनी लगानी है, 8 में 10 लगानी है, तो 8 and 10। फिर वंस नंबर कौन सा है, 0, तो राइट कर देंगे, ठीक है, वंस में अपन कोई 0 नहीं लगाते हैं। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को 2 नंबर है, इनको कंपैरिजन करना है कि इनमें बिगेस्ट डिजिट कौन सी है एंड स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, ठीक है। तो देखते हैं, 2731 एंड 2713, इन दोनों में बिगेस्ट डिजिट कौन सी है, बिगेस्ट डिजिट है 31, तो यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा, सिंबल आएगा ग्रेटर देन, ठीक है, सॉरी लेस देन, सिंबल आएगा लेस देन 7000, तो सिंबल आएगा 2731 ग्रेटर देन 2713, जहां पे फर्स्ट डिजिट बिगेस्ट हो और लास्ट डिजिट स्मॉलेस्ट हो, तो वहां पे सिंबल आएगा ग्रेटर देन, और जहां पे फर्स्ट डिजिट स्मॉलेस्ट है और लास्ट डिजिट बिगेस्ट है, तो वहां पे सिंबल आएगा लेस देन,
ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट बिगेस्ट है और सेकंड डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे सिंबल आएगा ग्रेटर देन का। फिर नेक्स्ट देखिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 6971, लास्ट डिजिट क्या है, 9761। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट स्मॉलेस्ट है एंड लास्ट डिजिट क्या है, बिगेस्ट है, तो यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा, लेस देन, ठीक है, यहाँ पे सिंबल आएगा लेस देन। तो इसको कैसे स्पीक करेंगे, 6971 लेस देन 9761। क्वेश्चन सी में देखिए, 4318 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है डिजिट्स है उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म को पहले आप सॉल्व करके देख लीजिए, इनको इसकी शॉर्टेड फॉर्म बना के देख लीजिए, फिर आप इनका कंपेयर इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो 4, 3 and 1, 8, ठीक है, 1004 and 100, 3 and 10, 1 and 1, 8, ठीक है। तो देखिए 4318, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड की दोनों की डिजिट क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा, इक्वल का। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। यहाँ पे क्या करना है, इन डिजिट्स को स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है एंड ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन सेकंड वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अपने को स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों में राइट करना है। तो स्मॉलेस्ट को किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर को, एंड ग्रेटेस्ट किसे कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर को, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट मतलब इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, और ग्रेटेस्ट मतलब यहाँ पे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। तो असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, स्मॉल से ग्रेटेस्ट की तरफ। तो देखिए 3694 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4 या 3 या 6 या फिर 9, स्मॉलेस्ट नंबर है 3। फिर इससे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 4। फिर इससे बिगेस्ट कौन सा है, 6, एंड इससे बिगेस्ट कौन सा है, 9, ठीक है। तो ये तो कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको राइट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब इसका अपोजिट राइट कर देंगे। तो यहाँ पे 9, 6, 4, 3, तो ये कौन सा नंबर हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर, ये कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट असेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट एट डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, स्मॉलेस्ट असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा नंबर देखिए, स्मॉल नंबर कौन सा है, 0। फिर जो 0 से बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 4, 4 से बिगेस्ट कौन सा है, 5, 5 से बिगेस्ट कौन सा है, 7, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट के लिए इसको अपोजिट साइड राइट कर देंगे, 7, 5, 4, 0, ये कौन सा हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरीके से अपन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, राइट इन कॉलम एंड एड द फॉलोइंग। इन यहाँ पे जो है अपने को एडिशन करने हैं, कैसे कॉलम बना के, तो अपन क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे कितनी है, 1, 2, 3, 4, 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1, 10, 100, थाउजेंड तक डिजिट है इसका, मतलब कॉलम कितनी बनाएंगे, 4, ठीक है, थाउजेंड तक कॉलम बनाएंगे अपन, 1, 10, 100, 1000, ओके। अब इनका प्लेस राइट करेंगे, 1, 10, 100, 1000, ओके। अब वंस की डिजिट कौन सी है, 6, 4, 4, 6, 4, 4, टेंस की डिजिट कौन सी है, 8, 0, 1, 8, 0, 1, हंड्रेड की डिजिट कौन सी है, 7, 0, 2, 7, 0, 2, थाउजेंड की डिजिट कौन सी है, 1 and 2, यहाँ राइट करेंगे 1 and 2। अब इनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है, 6 + 4 = 10, 10 + 4 = 14, 14 का 4 यहाँ राइट कर देंगे और 1 कैरी पावर 10 पे लगा देंगे, ठीक है।
एट प्लस जीरो इज इक्वल टू एट, एट प्लस वन इज इक्वल टू नाइन, नाइन में वन कैरी पावर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन, टेन का वन जीरो यहाँ लगा देंगे और वन कैरी पावर यहाँ पे ऐड कर देंगे। टेन प्लस टू इज इक्वल टू नाइन, नाइन प्लस वन इज इक्वल टू टेन, टेन का जीरो यहाँ लगाएंगे और वन कैरी पावर यहाँ ऐड कर देंगे। टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस वन कैरी पावर इज इक्वल टू फोर, यहाँ राइट करके फोर, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया 4004। तो इस तरीके से अपन कॉलम बना के एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्शन 4865 फ्रॉम 9520, यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, तो ये आप इजीली कर लोगे। फिर भी देखिए, सब्ट्रैक्शन 836 फ्रॉम द सम 1564 एंड 2326, तो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, सम ऑफ 1564 एंड 2326, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है उसमें 839 को सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरीके से करना है, देखिए 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 10 का 0 1 कैरी पावर यहाँ पे राइट कर देंगे। 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 8 पे 1 कैरी पावर ऐड करेंगे आंसर आएगा 9। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, यहाँ राइट करेंगे 8, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, फाइनल आंसर आ गया 3890 में सब्ट्रैक्ट कितने करने हैं, 839, तो 839 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जीरो में नाइन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, नहीं हो पाएगा, तो जीरो क्या करेगा, नाइन से वन बोरो ले लेगा, तो जीरो बन जाएगा टेन और नाइन बन जाएगा एट, टेन में नाइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा वन, एट में थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा फाइव, एट में एट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा जीरो, थ्री को एजिटी जैसे कैसे ही राइट करने हैं, क्योंकि थ्री में कुछ भी सब्ट्रैक्ट अपन नहीं करेंगे, इसलिए आंसर क्या आया 3051, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम, ए मैन बॉट टू मोबाइल ईच ऑफ कॉस्ट 2790 एंड ए पीसी वर्थ 6640, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल। एक आदमी ने क्या किया, एक मोबाइल खरीदा कितने में, 2790 में, ठीक है, एक पीसी वॉट खरीदी उसने 6640 में, तो बताइए उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए, तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे, इन दोनों की प्राइसेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर भी देखिए, व्हाट इज द नंबर दैट इज ग्रेटेस्ट देन 3749 बाई 7905, यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट डिजिट बतानी है आपको कौन सी है, ठीक है। फिर देखिए सी, प्रियंका हैड स्पेंड 879 ऑन इटेबल्स, सी हैड 1500 विथ हर, हाउ मच मनी सी वाज लेफ्ट विथ, यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, 1500 में 879 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो इट्स इनफ फॉर टुडेज रिमेन टॉपिक, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।